नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन से इज अ फोर्स कॉन्स्टेंट एफ इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास एम मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी यू. इफ आफ्टर द बॉडी अंडरगोज अ डिस्प्लेसमेंट एस, इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी, देन टोटल वर्क डन बाय दिस फोर्स एफ क्या होगा. वर्क डन बाय एफ हमें बताना है क्या होगा. नाउ टोटल वर्क डन बताना है क्या होगा. तो इस केस में हम यहाँ लिखते हैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो इसी ऑल द फोर्सेस में आपके एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस सूडो फोर्सेस प्लस कंजर्वेटिव फोर्सेस, इन सबका वर्क डन जो है वो अपना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा. ठीक है. सो इन सारे फोर्सेस का वर्क डन हमें यहाँ पे बताना है कितना होएगा. तो उस केस में हमें लिख सकते हैं वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम फाइनल वेलोसिटी वी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर, विच मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द राइट आंसर.